ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार है प्यार और सपोर्ट करने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप करें और कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस और शुल्क लागू है। दोस्तों, आप भी ये बात सोचते हैं कि कब जीवन में कुछ अच्छा होगा? बस हम इसी एक उम्मीद पर जीवन को जीते जा रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन कब अच्छा होगा? हम जिस स्ट्रगल से वर्तमान में गुजर रहे हैं, जिन बाधाओं से या जिन परेशानियों से आपकी राशि के जातक अगर गुजर रहे हैं, तो उनके मन में बस यही एक उम्मीद होती है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन कब होगा? तो आइए आज हम कुछ विस्तार पूर्वक अच्छा होना जो है लाइफ में, उसके लिए चीज़ें अच्छा होगा जीवन में, उसके लिए किन बातों पर विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में परिस्थितियां खराब है और आप उन परिस्थितियों से बहुत जल्द बाहर आना चाहते हैं, या भगवान की कृपा से उन परिस्थितियों से बहुत जल्दी हमें अब निजात मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रगल बहुत हो चुका है, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सरल हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, हमें फल मिलना चाहिए। अगर किसी भी जातक को सपने में कोई पुरातन मंदिर के दर्शन होते हैं, या सपने में भगवान शिवलिंग के दर्शन होते हैं, या किसी भी मंदिर के, पुराने मंदिर के या किन्हीं देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, गुरु के दर्शन होते हैं, तो यह आने वाले जीवन में एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है और जीवन में चीज़ें बदलने वाली हैं। दूसरा संकेत होता है कि अगर वो जातक के पास अनायास ही वो खुश होता है, उसके लिए कोई वजह नहीं होती खुश होने की, लेकिन उसका मन प्रसन्न रहता है, और ज़्यादातर उन्हीं जातकों का मन प्रसन्न रहता है जिनके मन में संतोष होता है, जिन्हें जो चीज़ें हैं उनमें संतोष होता है और अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर अनंत विश्वास होता है, क्योंकि गुरु और इष्ट पर अनंत विश्वास होना ही बृहस्पति को मजबूत करना है। तीसरा संकेत होता है कि कई बार हमने ऐसा देखा है कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज करते हैं, एक सकारात्मक बदलाव करते हैं। तो अगर ऐसे सकारात्मक लोग आपको मिल रहे हैं या महापुरुष मिल रहे हैं, तो ये आपके जीवन को जरूर बदलेंगे और एक समय अच्छा आएगा। लेकिन इसमें सावधानी यह रखना है कि कहीं हम इस भाव में कोई हमारा दुरुपयोग न करें, कोई हमें तकलीफ में न डाल दे। ये भाव आपका शुद्ध है, लेकिन फिर भी इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से आपके लिए सजेशन दे रहा हूँ। पर अनायास अगर महापुरुष मिलना है तो मिलेगा, आपकी मदद भी करेगा निस्वार्थ भाव से, और आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकाल देगा। चौथा है मंत्र जप। मंत्र जप में वो शक्ति है जिसके बारे में शायद आप सोच नहीं सकते, इसलिए जितना हो सके अपने गुरु मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें। नहीं है कोई तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।